Everybody and welcome back to SK1 Nikits, and we're back again with solution of another examinations question paper, and this is NEET UG 2022, and today we are going to solve physics ke question paper mein se kuch questions. And again this question paper has been sent to me by Ranjit sir, and here as we are going to solve it today, since maine question paper dekha and mujhe ye question paper bahut hi zyada easy laga. Like it is so easy, as we know NEET की physics का level उतना high नहीं जाता है जितना JE main and advanced का जाता है. And इस बार तो I would say कि JE main का भी question paper बहुत ही extremely easy था. So obviously NEET is gonna be very easy question paper, and hope मेरे brothers and sisters ने अच्छे से इस question paper को attempt किया, सारे questions attempt किए. So let's come to this thing. पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज. तो यहाँ पे फोर ऑप्शंस हैं, दैट इज 1:4:9:16, 1:3:5:7, 1:1:1:1 एंड :1, एंड दैट्स 1:2:3:4. दैट इज द थिंग. एंड यहाँ पे एज वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या गिवन है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. एक बॉडी है, ये फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसी से फॉल कर रही है. अब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फ्रीली फॉल कर रही है. फर्स्ट सेकेंड में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगी उसका रेशियो विद द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड देन थर्ड सेकेंड देन फोर्थ सेकेंड. अब रिमेंबर दिस इज एन कि अपने रेशियो निकाली और फर्स्ट सेकंड में इतना करेगी, सेकंड सेकंड में इतना करेगी. नो, इफ दिस इज फॉर द फर्स्ट सेकंड, तब यहां पे हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि दो सेकंड के बाद ये यहां पे कुछ आ जाएगी. एक्चुअल में यहां पे नहीं आएगी, रादर इट विल कम राइट हियर, राइट, क्योंकि यहां पे इसके पास इनिशियल स्पीड मिल जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ ज्यादा डिस्टेंस होगा. तो हमें ये रेशियो नहीं बताने ऑफ दिस इज टू बी दिस, रादर ये डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड. यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट से इन द सेकंड सेकंड, मतलब इन टू सेकंड्स एक्चुअली, माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन वन सेकंड. तो हमें ये वैल्यू की रेशियो बतानी, दिस से इज टू बी दिस, दैट इज द थिंग, एंड इज टू बी डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड एंड इज टू बी डिस्टेंस इन फोर्थ सेकेंड. अब जिस किसी को भी ये पता होगा, इवन एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है, दैट्स गैलीलियो ट्रिक, तब तो ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं कि ये आंसर सेकेंड होगा, 1:3:5:7. कि हमेशा जो भी रेशियो होता है ऑफ द डिस्टेंसेज फॉलन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये हमेशा फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइक दिस, ये हमेशा रेशियो होता है ऑफ ऑड नंबर्स, दैट इज द थिंग. सो 1:3:5:7. बट फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता, जिनको ये क्वेश्चन एक्चुअल में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेट्स ट्राई इट आउट. हम लोग पहले तो देख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड क्या होगा, डिस्टेंस इन टू सेकंड्स माइनस डिस्टेंस इन वन सेकंड. डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इज सिंपली डिस्टेंस इन फर्स्ट वन सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में जी इंटू में वन सेकेंड का स्क्वेयर, दिस इज सिंपली 5 मीटर, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, राइट, जी 10 हो गया. तो डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड क्या होगा, हाफ इंटू जी इंटू में 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 5, राइट, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, दिस इज एंड फाइनली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 15 मीटर. अब यहाँ से तो हम लोग सीधे रेशियो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड इज टू बी डिस्टेंस इन सेकेंड सेकेंड क्या होगा, 1:3. ऐसे हम लोग ट्राई आउट कर लेंगे. सो फाइनली यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज 1:4:9:16 गलत आंसर है, 1:3:5:7 एंड दैट माइट बी अ पॉसिबल आंसर फॉर द फर्स्ट टू टर्म्स एटलीस्ट. देन देयर इज 1:1:1:2 फर्स्ट टू टर्म्स, ऑब्वियसली ये गलत है. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है, और रादर You should rather try it out full. लेकिन मैंने सिर्फ दो ही टर्म्स के ले लिया फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये दो टर्म्स गिवन है, सो वी कैन ईजिली स्पॉट आउट विच इज द करेक्ट आंसर. एंड अब हम लोग देख लेते हैं विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली दिस इज, हाँ लेट मी हैव इट हियर, हाँ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन.
A body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3.0 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity at that point is. अब ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है और से फील्ड इंटेंसिटी, तो ऑब्वियसली एक सेकंड मास वहां पे होगा. यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है. हम लोग इस मास की बात कर रहे हैं कि इसका 60 ग्राम है. एक मास ने क्रिएट किया होगा एक ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्रिएट किया एंड ये फोर्स कितना एग्जर्ट एक्सपीरियंस कर रही है, ये एक्सपीरियंस कर रही है 3.0 न्यूटन का. तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एज वी नो दिस इज द फोर्स पर यूनिट मास, कि एक यूनिट मास पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, दैट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. सो दैट्स सिंपली एफ ओवर एम. एफ इज व्हाट? 3.0 न्यूटन. और मास इज व्हाट? मास ले लेते हैं 60 ग्राम, सो दैट इज 6 × 10⁻³ हो जाएगा, 6 × 10⁻². ये कैंसिल हो गया 0.5 टाइम्स में, 0.5 × 10² 50 यहाँ पे न्यूटन पर किलोग्राम. इसका ये आंसर हो गया. क्या आंसर? फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 50 न्यूटन पर किलोग्राम. तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. सो फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैव बीन फाइनली सॉल्व. हम लोग और भी क्वेश्चंस अब सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी आर ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड दिस वन रियली सीम्स अ नाइस क्वेश्चन. फर्स्ट टू क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए बहुत ही ईजी थे. दिस इज अ बिट बेटर. दिस इज की एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर्स इज मूविंग अप विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड. द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन. द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाई द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट्स इज इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये क्वेश्चन अच्छा है. यहाँ पे एक लिफ्ट है जिसका मास गिवन है. रिमेंबर लिफ्ट प्लस पैसेंजर्स, ये ऊपर जा रही है किस स्पीड से? 1.5 मीटर पर सेकंड से. ये ऊपर 1.5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मास भी गिवन है टोटल. इससे फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा. ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? ये हो गया 3000 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में. हमें बताना है कि ये जो लिफ्ट है ना, मिनिमम कितनी पावर डिलीवर्ड होगी टू द लिफ्ट दैट इज बाय द मोटर. वॉट्स में बताने, जी इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, सो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं पहले तो नीचे ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है 3000 न्यूटन, प्लस में नीचे इसका वेट भी एक्ट कर रहा है. दैट इज कि नीचे फ्रिक्शनल फोर्स है प्लस नीचे वेट भी तो है. टोटल वेट कितना होगा? 2000 किलोग्राम टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी 10 लेना है, सो दिस इज 20,000. सो वेट इज व्हाट? 20,000 न्यूटन. तो डाउनवर्ड की टोटल फोर्स कितनी हो गई? 23,000 न्यूटन. अब ऑब्वियसली 23,000 न्यूटन के फोर्स के साथ तो ये फॉल करती है, दो एट दैट टाइम 3000 ऊपर एक्ट करता. इसीलिए इस मोटर को फोर्स लगाना पड़ेगा एंड उस फोर्स की वजह से पावर होगा. हमें वही पावर बताना है. ये जो मोटर है ये फोर्स लगाएगा एफ, तो एफ फोर्स से ये ऊपर जा रही है. अब सिंस हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ऊपर सिंपली जा रही कांस्टेंट स्पीड से 1.5 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब इसकी एंड इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, राइट? एक्सेलरेशन इज जीरो, सो दिस माइनस दिस इक्वल्स जीरो, सो दिस इक्वल्स दिस. तब ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए मोटर को? लगाने चाहिए 23,000 न्यूटन. अब हम लोग जानते हैं कि पावर इज व्हाट? फोर्स इनटू वेलोसिटी. पावर बेसिकली होता है द फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी. सेम डायरेक्शन में ऊपर मूव कर रहे एंड ये इंजन क्या, ये मोटर ऊपर ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा, तो दिस इज सिंपली एफ टाइम्स वी. इसको कर देते हैं 23,000 न्यूटन टाइम्स में, ये हो गया द स्पीड जिससे मूव कर रही है, सो दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. एंड यहाँ से एज वी कैन लुक, सो द आंसर्स कैन बी हियर इट इज 3450 एंड दैट इज इन वॉट्स. सिंस वी नो न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज सिंपली वॉट्स एंड दैट इज द थिंग. यही हमारा आंसर होगा.
हाँ, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से शायद कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पावर को ना वी कैन राइट एज द वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन वहां पे देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि हमें टाइम पुट करना पड़ेगा कि इतना वर्क कितने टाइम में हो रहा है, एंड दैट कैन बी क्वाइट अ प्रॉब्लम। तो रादर वी शुडंट फॉलो दैट स्टेप, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बहुत केसेस में, जहाँ पे आप वर्क बाय टाइम कर ही नहीं सकते या फिर एनर्जी बाय टाइम नहीं कर सकते क्योंकि आपको टाइम वेरिएबल पता ही नहीं है, सो दिस फॉर्मूला इज रियली हेल्पफुल। सो दैट इज हमारा आंसर क्या है, सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। इसमें आंसर हो गया सेकेंड। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 18th एज गिवन इन हियर, एंड हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अ शेल ऑफ मास एम इज एट रेस्ट इनिशियली, इट एक्सप्लोड्स इनटू थ्री फ्रैगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1। इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विद स्पीड वी, द स्पीड ऑफ द थर्ड लाइटर फ्रैगमेंट इज। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस ऑल्सो सीम्स क्वाइट नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक शेल है मास एम का। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि शेल है मास एम का एंड फिर ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रही है। सिंस ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रही है तो एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल भी टोटल सिस्टम का टोटल मोमेंटम तो जीरो होगा, राइट? तभी तो मोमेंटम कंजर्व है। थ्री फ्रैगमेंट्स में क्या हुआ, एक्सप्लोड किया। तो यहाँ पे दे बियर द रेशियो ऑफ 2:2:1, दो के पास सेम मास है, एक के पास डिफरेंट है, लाइटर ऑब्जेक्ट है। तो 2:2:1, सिंस ये मास एम इनिशियली शेल का ही गिवन है, बट टू रिड्यूस द से टू एक्चुअली गेट सिंप्लिसिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, मास एम एज्यूम कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रेशियो कि इसके पास 2m है, इसके पास 2m एंड इसके पास m, राइट? आई एम जस्ट डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। इसके पास एक मास हो गया 2m, एक्चुअली दैट शुडन बी बट इट रियली वर्क्स। तो इसके पास मास हो गया 2m, ये अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा विथ वी आई कैप, तो एक जो 2m है ये वी जे कैप के साथ मूव कर रहा, एंड एक जो m हमारे पास बचा उसका पता नहीं, वी रियली डू नॉट नो। एंड हमें उसी की क्या बताना है, स्पीड बताना है कि अगर ये दोनों इक्वल स्पीड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी, से कहीं भी रैंडमली ये मूव कर रहा है विद वेक्टर वी से यहाँ पे मूव कर रहा, तो मोमेंटम को हम लोग सिंपली कंजर्व कर देंगे, इनिशियल इक्वल्स फाइनल। तो फाइनल क्या है, फाइनल हो गया हमारा टोटल मोमेंटम, एक हो गया 2mv i कैप, फिर 2mv j कैप, फिर दैट इज m वेक्टर v, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। तो यहाँ से पहले तो m को हम लोग कैंसिल कर देते हैं क्योंकि m को कॉमन लेके उस साइड भेज सकते हैं, जीरो और m दैट इज लाइक नथिंग। हमें क्या मिल रहा है कि 2vi कैप प्लस 2vj कैप प्लस वेक्टर v इक्वल जीरो, यानी कि वेक्टर v और रादर टेक इट वेक्टर v डैश, इसको वेक्टर v डैश ले लेते हैं। तो वेक्टर वी डैश क्या हो रहा है, -2v i कैप -2v j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर वी डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज द स्पीड, सिंस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है स्पीड। ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ दिस प्लस में दिस स्क्वेयर करके रादर, सो 2v का स्क्वेयर प्लस 2v का स्क्वेयर, दिस इज 4v स्क्वेयर प्लस 4v स्क्वेयर, दैट इज 8v स्क्वेयर। 8 इज वॉट, 8 इज 2√2, 2 स्क्वेयर इज 4 × 2, दैट इज 8। तो ये हो गया हमारा, v को बाहर ले सकते हैं, सो दिस इज 2√2v। ओके, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज 2√2v, एंड फाइनली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। सो हियर ऑल्सो आवर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2√2v। सिंस हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन गेस्ट 4 क्वेश्चन कर लिए, फर्दर आई विल सी फॉर मोर क्वेश्चन, एंड फाइनली दिस इज ऑल डन, एंड थैंक्स टू ऑलवेज, एंड जय हिंद जय भारत।